हम एक आइनी तब्दीली के जरिए इमरान खान की गवर्नमेंट को निकाल कर हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आए थे और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को फॉलो किया था। लेकिन एक ऐसे मौके पे हुकूमत संभाली हमने, शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में इत्तेहादी हुकूमत बनाई, जब वो दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा था और इमरान खान साहब की हुकूमत की पौने चार साल पॉलिसियों ने पाकिस्तान को बिल्कुल डिफॉल्ट और फॉल्ट दोनों लाइंस पे लाके खड़ा कर दिया था और उनके वो सारे गुनाह और खराबियां उनका बोझ हमने उठाया, अपनी सियासत दांव पे लगाई, लेकिन हमने रियासत का दफा किया और अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में पाकिस्तान को उस खतरनाक सिचुएशन से हमने पुल बैक किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन गया और आज का दिन आया, पीटीआई ने, इमरान ने और उनके सहूलतकारों ने हमें काम नहीं करने दिया और मुसलसल हमारे रास्ते में कहीं माइंस लगाते हैं, कहीं घड़े खोदते हैं, कहीं खाइयां खोदते हैं, जिसकी कई मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल, क्लासिकल एग्जांपल, शौकत तरीन साहब की वो कॉल है जो पकड़ी गई और वो फिर पूरी कौम ने सुनी, जिसमें वो अपने वज़ाए ख़जाना को ये कह रहे थे कि आईएमएफ को लिख दो कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट आपसे बात कर रही है तस्लीम नहीं करते, ताकि ना आईएमएफ के ताले की चाबी ना वो ताला खुले और ना दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की मदद करो, मुल्क डिफॉल्ट करो। ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब और उनके साथियों ने ये शोर मचाया हुआ था कि असेंबलियाँ टूटनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि कबल इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए। टीडीएम का और हमारे अलाइज का स्टैंड ये है कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए और अपने टाइम पे होने चाहिए और असेंबलियां बच्चों का खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है, जब दिल किया बना लिया, जब दिल किया तोड़ लिया। तो ये लेटेस्ट जो इस वक्त पंजाब की सिचुएशन है, उसमें जब गवर्नर साहब ने ये महसूस किया और उसकी उन्होंने ग्राउंड मैंशन की कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेना चाहिए, तो उन्होंने अपनी एक आइनी जिम्मेदारी अदा की। उस आइनी जिम्मेदारी को जब अदा किया और चीफ मिनिस्टर साहब को कहा गया कि वो एतमाद का वोट लें, तो उन्होंने एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया और वो उनको बाकायदा प्रॉपर टाइम दिया गया। मत जो वो इस बात का सबूत है कि परवेज अलाई साहब के पास अक्सरियत नहीं है और जिसके पास असेंबली की अक्सरियत नहीं है वो कायदे ईमान नहीं हो सकता, ये आइन कहता है, हम नहीं कहते। तो जब गवर्नर के उस आइनी ऑर्डर को नहीं माना गया और गवर्नर साहब ने अपने आइनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको डीनोटिफाई किया, तो उस ऑर्डर को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। जो कल का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फ्लॉज है और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। हम बड़े अदब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आइन से रूगरदानी कोई नहीं कर सकता, ना फर्द कर सकता है, ना कोई अदारा कर सकता है। आइन पाकिस्तान ये कहता है कि कायदे ईवान वही होगा जो आइन, जो ईवान की मेजॉरिटी को कमांड करेगा। कल के फैसले में हम समझते हैं कि फ्लॉज हैं और 18 दिन दिए गए हैं, इन 18 दिनों में खुदा हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा मौजूद है और एक मंडी लग सकती है दूसरी पार्टी की जानिब से, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है। अगर उनके पास अक्सरियत होती तो वो इत्माद का वोट लेते। हम बजा तौर पे ये तवक्को करते थे और हमने मुकदमा भी वहां पे इसी तरह डिफेंड किया कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट में, कि जनाब इनको आप कोई टाइम दे दें कि ये इत्माद का वोट लें, वो लेना पड़ेगा, वो आज लें, 10 दिन बाद लें, 18 दिन बाद लें, उससे आप पीछे हट नहीं सकते। लेकिन उन्होंने, हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक गुंजाइश छोड़ी गई है और ये स्वीट विल पे छोड़ दिया परवेज अलाई साहब की, अगर वो चाहें तो एतमाद का वोट लें। इसमें अगर मगर की हम समझते हैं और हमारे आइनी माहरीन समझते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ देर पहले भी हमारी मीटिंग हुई है एलाइज के साथ भी हमने बात की और इसका इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। और इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि पंजाब में या कहीं भी किसी किस्म की कोई हॉट स्प्रेडिंग ना हो। हम ये भी चाहते हैं कि असेंबलियाँ काम करें। ये अमर इत्मीनान के बाइस है कि असेंबली टूटने का खतरा टल गया है और इमरान खान साहब की जो भड़क थी वो तो हवा में तहलील हो गई है। और ये भी दुरुस्त है कि अगर वो बहुत संजीदा होते तो वो ये अल्टीमेटम देने की बजाय असेंबलियां तोड़वा देते। अभी भी वो चाहें तो केपी की असेंबली वो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर केपी के की असेंबली वो तोड़ दें तो उनकी सियासत का भाड़ा खर्चा कौन उठाएगा। ये सारा नजरा पंजाब पर और पंजाब के अवाम पर गिराया जाना था, जिसको हमने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन ये
हम समझते हैं कि कानूनी इसमें एक खला, एक वैक्यूम मौजूद है जिसका जिसको रिस्पॉन्ड किया जाना जरूरी है, और पंजाब में मौजूदा हुकूमत मुंतखब हुकूमत नहीं है, ये एक स्टे ऑर्डर पर कायम है, और इसको ये इख्तियार भी हासिल नहीं है कि ये अरबों रुपए जो है वो लुटा रहे हैं डेवलपमेंट फंड्स पे, कलीदी फैसले कर रहे हैं पंजाब के अवाम के। इससे पहले इन एतमाद का वोट लेना होगा, अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो ये बात बिल्कुल वाजे है, अजर मिन शम्स है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत जो पीटीआई की बैक गवर्नमेंट है इसे ईवान की अक्सरियत हासिल नहीं है और अब ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। ओवर टू राणा सनाउल्लाह साहब और फिर तारिक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपके ये बात इल्म में है कि तीन चीजों का ऐलान किया था इमरान खान ने कि हम अगले दिनों में जो है वो ये काम करने जा रहे हैं, एक तो वो पंजाब असम्बली को तोड़ने की बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि केपीके की असम्बली को तोड़ेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली में पेश होके जो है वो अपने इस्तीफे जो है वो टेंडर करेंगे और स्पीकर साहब से कहेंगे कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल किए जाए। भाई अगर यहाँ पे पंजाब में गवर्नर साहब ने आपको ये कहा कि आप असम्बली तोड़ने से पहले जो है वो इत्माद का वोट लें तो गवर्नर साहब क्यों ना कहते, ये उनकी आईनी जिम्मेदारी थी बल्कि फर्ज था कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो एक ही सांस में एक तो ये कह रहा है कि जी हमारी पार्लिमानी पार्टी के 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है, और उसी सांस में ये कह रहा है कि मैं असम्बली जो है वो साइन करके दे आया हूँ फलां साहब को, तो ये क्या असम्बलियां जो है ये आईनी अदारे हैं, ये जमहूरियत की असास है, इनके साथ इस किस्म का मजाक कि एक आदमी जो है वो रवा रवी में कहता है कि मैं असम्बली साइन करके दे आया हूं लेकिन मेंबर्स की 99% तादाद जो है वो तोड़ने के हक में नहीं है। यानी ये असम्बलियां जो हैं वो अगर किसी की जिद पे, किसी की अना पे जो है वो और किसी की घटिया सियासत की नजर अगर हो तो ऐसी सूरत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो गवर्नर है तो उसे उसका ये फर्ज बनता है कि वो उसे कहे कि भाई अगर आपने ये इस तरह से मजाक उड़ाना है एक आईनी इंस्टीट्यूशन का तो कम अज कम एतमाद का वोट तो लें। अब एतमाद का वोट जो है वो उन्होंने नहीं लिया, गुरेजा हुए वो एतमाद का वोट लेने के। अब किसको नहीं मालूम कि स्पीकर जो है उसने क्यों अजलास नहीं बुलाया, ये जी वो झगड़ा चल रहा था, भाई स्पीकर का क्या झगड़ा चल रहा था, स्पीकर को कहा गया कि आपने अजलास जो है वो नहीं बुलाना, हमारे पास जो है वो अक्सरियत नहीं है, उसने अजलास नहीं बुलाया, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था गवर्नर का उसने वो एक्सरसाइज किया। अब हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, यानी कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरिम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें, हम भी कानून के तालिब इल्म हैं, कभी अदालतें इस तरह से नहीं करती कि आप जो अल्टीमेट रिलीफ मांगें तो वो आपको जो है वो इंटरिम रिलीफ के तौर पर ही दे दिया जाए। इनका अल्टीमेट रिलीफ क्या था कि जी हमें जो है वो रिस्टोर किया जाए, और इंटरिम रिलीफ उन्होंने इंटरिम रिलीफ में जो है वो इनको जो है वो अल्टीमेट रिलीफ जो है वो दे दिया, और उसके कानूनी आईनी और फाइनेंशियल जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे जो है वो मुल्क और पंजाब सूबा पंजाब जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर होगा। अभी उन्होंने दो दिन पहले जब यही कुछ हो रहा था, उन्हें ये मालूम था कि हम इत्माद का वोट हासिल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर किया है पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में, वो जो होता है कि एरियाज को ग्रीन करना, ब्राउन करना, और उसमें अरबों रुपए की बाप बेटे ने दिहाड़ी लगाई है, और अब वो जो है वो ये एक एक दिन, ये 18 दिन है, ये एक एक दिन जो है वो पंजाब के खजाने के ऊपर जो है वो भारी गुजरेगा। अब इस दिनों में मौका दिया जाएगा लोगों को कि आपके हलकों में जो 1.5-1.5 अरब रुपए के हमने फर्ज दिए हैं, जाओ जाके ठेकेदारों को इकट्ठा करो, उनसे जो है कमीशन जो है वो लेके अपनी जेब में डालो। ये एक हॉर्स ट्रेडिंग भी और करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्म होगा। चाहिए ये था
कि हाई कोर्ट ने अगर इनको इंटरिम रिलीफ देना था तो इंटरिम रिलीफ में आर्टिकल 133 मौजूद है, आप इसको डे टू डे जो अफेयर्स हैं उन तक जो है इनको महदूद करके जो है वो आप जो है वो इनको अलाउ कर दें। हम आज भी ये मुतालबा करते हैं जो इत्तेहादी हुकूमत में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, 100 नोटिस दें और पंजाब को इस मुआशी और इस करप्शन की तबाही से जो है वो बचाएं और इनको महदूद करें डे टू डे बिजनेस की हद तक। ये स्टे ऑर्डर के ऊपर इनको फुल फ्लैज इख्तियारात देना जो है ये पंजाब के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म से जो है वो मुतरादिफ है। बाकी यहाँ तक इस बात का तलक है भाई, आपको रोका तो नहीं है, आपको अदालत ने भी नहीं रोका, उन्होंने कहा कि जी अगर आप इत्माद का वोट लेना चाहें तो आप इत्माद का वोट जो है वो ले लें। भाई आप सुबह इत्माद का वोट ले लें, अगर आपके पास बंदे पूरे हैं और आप कह रहे हैं कि जी बंदे पूरे हैं तो आप इत्माद का वोट ले लें सुबह और मामला खत्म हो जाए। लेकिन इनके पास नंबर पूरा नहीं है, ये जो है ना इन 18 दिनों के बाद ना 28 दिनों के बाद जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले सकेंगे, इसीलिए जो है ये जो है वो ग्रेजा है। और दूसरा ये है कि सियासी तौर पे चलें पंजाब में तो ये इशू बन गया, केपीके में क्यों नहीं आपने असम्बली तोड़ी, कौमी असम्बली में जो आपने जाके पेश होना था वहां पर आप क्यों नहीं पेश हुए। दरअसल ये जो टोला इस वक्त इमरान खान की शक्ल में और उसके गिर्द जो लोग उसकी गुमराही का शिकार हैं, ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर गामजन है, ये इस मुल्क में फितना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं, ये इस मुल्क में जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं और उस सियासी अदम इस्तेहकाम को इसलिए चाहते हैं कि मौशी अदम इस्तेहकाम हो और ये मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे जो है वो हादसे से जो है वो दो चार हो, और इस तरह से ये चाहते हैं कि मुल्क का जो है वो नुकसान हो। पीडीएम की गवर्नमेंट जो है इत्तेहादी हुकूमत जो है उसने उस वक्त भी ये फैसला जो है वो मुल्क के बेहतरीन मुफाद में किया था जबकि अपने सियासी मुफादात के खिलाफ किया था। अगर उस वक्त भी हम मुल्क को जो है वो केयर टेकर्स के सपोर्ट करके चले जाते मुल्क जो है वो 90 दिन में इलेक्शन की बजाय 45 दिन बाद जो है वो डिफॉल्ट कर जाता, जो उस वक्त की सूरत हाल थी। हमने मुल्क को संभाला है, हमने डिफॉल्ट से जो है वो उसे निकाला है, हम मुआशी इस्तेहकाम की जो है सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो दिन रात उन्होंने अपने आप को जो है वो डिवोट किया हुआ है इस मकसद के लिए, लेकिन ये आए दिन जो है वो कोई ना कोई रखना डाल रहे हैं, कोई ना कोई जो है वो साजिश कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो किसी तरह से भी जो है वो इस्तेहकाम का जो है वो शिकार ना हो। और ये जो फैसला है, ये फैसला जो है ये उस चीज़ को और ज़्यादा जो है इंडोर्स करता है हमारी अदालत आलिया से भी और अदालत उज़्मा से भी। हमारी ये गुजारिश है कि आप इस फैसले को जो है वो रिव्यू करें, 100 नोटिस लें और इसको जो है आप जो है इनको डे टू डे तक जो है वो महदूद करें, इनके करप्शन के इख्तियारात को लूट मार के इख्तियारात के ऊपर जो है वो कदगन लगाएं। ये लूट मार जो है वो पंजाब के जो है वो अवाम के साथ जो है अवाम की जेबें जो है ये 18 दिनों में जो है ये काटेंगे। और हम ये समझते हैं कि ये जो एक सियासी टोला जो इस मुल्क के खिलाफ मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मसरूफ है, अवाम को इसका इदराक करना चाहिए, इसकी शनाख्त करना चाहिए, वरना ये टोला जो है वो मुल्क को किसी हादसे से जो है वो दो चार कर सकता है। हम इंशाल्लाह ताला डट के इस चीज़ का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, हमें कोई इलेक्शन से जो है वो फरार नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर ये जो है ये अपना काम दिखाते हैं और ये वो इत्माद का वोट हासिल करके असम्बलियाँ तोड़ते हैं, जिस असम्बली को तोड़ेंगे उसका जो है वो इलेक्शन होगा। पंजाब क्योंकि पार्टी के हवाले से भी
हमारी जो मेरी जिम्मेदारी है, हमने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर दी हुई है। हम बाकायदा जो है वो हल्का वाइज जो है वो कैंडिडेट्स को भी जो है वो फाइनलाइज कर रहे हैं। आज उलमा विंग की जो मीटिंग है वो भी इसी सिलसिले की जो है वो कड़ी है, और इस तरह से जो है वो हम पूरी तरह से हम तैयार हैं। लेकिन अगर इन्होंने असम्बली के साथ ये मजाक करना है, पंजाब असम्बली को तोड़ना है, तो हम जो है वो इत्माद का वोट हासिल करें और उसके बाद तोड़ें। बिस्मिल्लाह, आए इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इनका जो है वो मुकाबला करेंगे। ये चीज कर रखा शुक्रिया जनाब। मेरे ख्याल में बड़ी सहरासिल बात किया ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी और राणा सनाउल्ला साहब ने भी। जिस तरह आपके इल्म में भी है कि हम अभी सीधा मीटिंग से ही यहाँ पर हाजिर हुए हैं, मीटिंग में भी हमने कुछ फैसले किए कल के फैसले की रोशनी में कि आइंदा लाया अमल क्या होगा, किस तरीके से हमने जो बिगर फोरम्स हैं, हायर फोरम्स हैं, वहाँ पर हमने किन किन चीज़ों पर अप्रोच करना है। तो मेरे ख्याल में सारे पॉइंट्स जो हैं वो ख्वाजा साहब ने भी उठा लिए हैं, राणा सनाउल्ला साहब ने भी, उनको रिपीट करने का फ़ायदा कौन है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि अभी यहाँ आने से पहले भी मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से बात की थी कि भाई इस तरीके से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जा रहा हूँ, तो उन्होंने भी इस बात का आदा किया है कि ये अगर इस तरीके से असेंबलियों के साथ मजाक होना है, इस तरीके से अगर आवाम के मैंडेट के साथ मजाक होना है, तो मेरे ख्याल में ये एक और मज़ेदार जो बात है कि इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। कि ये जब कहा जाता है ना कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो पीटीआई के जो अराकीन असेंबली हैं वो मेजॉरिटी इसलिए गायब है इनसे कि वो लोग समझते हैं कि अब हम अपनी असेंबली क्यों तड़वाएं, किस लिए हम एक साल पहले जो है वो घरों में चले जाएं, पता नहीं आइंदा इलेक्ट होना है कि नहीं होना। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें सामने रखते हुए इंशाल्लाह ताला अभी हमने कुछ फैसले किए हैं, आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत जो है वो ये अच्छे फैसले करेगी जिससे पंजाब के अवाम की जो है वो नुमाइंदगी भी बेहतर अंदाज में हो और जो पंजाब चाहते हैं उनको सामने रखते हुए हम इसमें पेशरफ करें। बहुत शुक्रिया। सवाल क्या किया आपने वैसे, मुझे समझ नहीं आया। सवाल ये है कि गवर्नर साहब ने आईन से तजावुज किया है, स्पीकर ने उनके अहकाम को नहीं माना और इजलास नहीं बुलाया, इत्माद की वोट। यानी आपका ख्याल है कि स्पीकर ने जो है वो चीफ मिनिस्टर से कोई उसकी बात ही नहीं हुई और उसने खुद से ही जो है वो इजलास नहीं बुलाया, ना उसमें पीटीआई की कोई मर्जी शामिल थी ना चीफ मिनिस्टर की मर्जी शामिल थी। नहीं, सवाल करेंगे तो जवाब देंगे। सवाल ये है कि आप वज़ीर आला ने कब इंकार किया कि मैं इत्माद का वोट नहीं देगा। ये सवाल दूसरा सवाल ये है कि 18वीं तारीख में वज़ीर आला को लामहदूद इख्तियारात दिए और गवर्नर के पास इख्तियारात बिल्कुल महदूद कर दिए गए। क्या नहीं, इसका बिल्कुल सिंपल जवाब है कि आईने पाकिस्तान में वाज़े तौर पे बता दिया गया है कि वही शख्स कायद ऐवान होगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी, और मरकज़ में सदर के पास और सूबों में गवर्नर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो जब ये महसूस करे कि कायद ऐवान मेजॉरिटी को लूज़ कर गया, वो उसे कहे कि आप एतमाद का वोट लें। और बारह सूबाई और कौमी असम्बलियों में ये कहा गया है और एतमाद के वोट लिए गए हैं, और उससे वाजे तौर पे रूगरदानी की गई है, आईनी वायलेशन की है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वही काम किया है जो डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली ने किया था, आईन शिकनी की गई है। देखो, अंडा देने का टाइम तो आने दो ना कि किस जगह पर अंडा देते हैं जी। अभी तो फिलहाल अभी तो जो अंडे दे रहे हैं उन अंडों से महसूस हो, जब वक्त आएगा तो फिर बताएंगे क्या अंडा किधर देना है। तो क्या अभी भी
ایک گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں نظریہ ضرورت کبھی بھی دفن نہیں ہوا، اور جب تک نظریہ ضرورت کی تدفین نہیں ہوتی اور پسند ناپسند جو ہے پک اینڈ چوز اس کا نظام ختم نہیں ہوتا، اس ملک میں انصاف مل نہیں سکتا. اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو گئی ہے یہ ہم نے نہیں کی ہے، یہ عمران خان صاحب نے کی ہے، ایک فتنے کے طور پہ کی ہے. اس ملک میں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اصل جنگ اس کے ساتھ ہے، اصل جنگ غربت کے ساتھ ہے، اصل جنگ جو ایک معاشی تباہی کر گئے ہیں اس کی بحالی کے لیے وہ جد و جہد کرنے کی بات ہے. تو جب ہم کام کرنے لگتے ہیں یہ ہمارے پاؤں نہیں لگنے دیتے، ہمیں ملک کے لیے کام نہیں کرنے دیتے. ابھی پنجاب میں بھی دیکھیے نا، دو صوبائی حکومتیں عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں، دو ریاستی حکومتیں موجود ہیں، وہ وہاں ڈلیور کیوں نہیں کرتے بجائے کام کرنے کے؟ انہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کراؤ؟ وہ عمران خان اپوزیشن میں نہیں ہے، پاکستان میں کوئی اپوزیشن کا وجود نہیں ہے، سب حکومت میں ہے، کوئی وفاق میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی سندھ میں ہے، کوئی خیبر پختونخوا، گلگت آزاد کشمیر میں ہے. آپ اپنا اپنا کام کے لیے ڈلیور کریں، لوگوں کے دکھ درد جو ان کا مداوع کریں. آپ نے آپس میں دھما چوکڑی شروع کر دی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بار بار ہم پر حملہ آوروں اور ہم جو ہے آپ کو اجازت دیں کہ آپ ہم پہ حملہ کریں اور آپ ہمیں اور جتنا دیوار میں لگانا لگائیں، دیوار میں لگانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. اور اگر کوئی آئین سے تجاوز کرے گا، اگر قانونی روگردانی کی جائے گی تو ہم گونگے نہیں ہیں. ہم ماضی میں بھی بات کرتے رہے ہیں، اس بات کرنے کی پرائسز ہم سب نے ادا کی ہے اور جتنی قیمت ادا کی جا سکتی تھی کی ہے. لیکن تمام ریاستی اداروں کو آئین کے تابع رہنا چاہیے. ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں، بعض اوقات افراد مسائل کھڑے کرتے ہیں. عمران کے سہولت کاروں نے جو تباہی اس ملک میں کی ہے وہ تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی. اس تباہی کو ہم دوبارہ آبادی میں اس کو امپروو کر کے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک آگے جائے. یہ جو پنجاب میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے ایک صاحب کو جو مائنورٹی میں چلے گئے ہیں کہ وہ آئین پر عمل درآمد نہ کریں، اس کی کوئی ٹائم لائن ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ میں جانے کا کون سا آپشن موجود ہے. نہیں، اصل میں پاکستان میں جمہوریت چل گئی تھی. آپ نے تو چھپے ہوئے الفاظ میں سوال کیا، میں سیدھا جواب دوں گا. دو ٹینیور جمہوریت کے ٹھیک چلے تھے، جب پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے. مجھے ایسے کچھ لوگ تھے جماعت میں جو کہتے تھے نواز شریف صاحب کو، میں یہ سب کو بات پتا ہے، بلکہ ہم اکٹھے ہی تھے. ایک دو لوگ تھے جو نہیں کہتے تھے کہ جی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہمارا اختلاف ہے، لانگ مارچ کریں، اس کو گرائیں. نواز شریف صاحب کہتے تھے نہیں، اسمبلی مدت پوری کرے گی، حکومت ٹرم پوری کرے گی، یہ اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتا ہے. وہ 5 سال ہم نے اپوزیشن کی، پیپلز پارٹی نے حکومت کی، 5 سال پورے ہوئے، ان کو ہم نے سینڈ آف، ان کو خدا حافظ کا الوداع کیا اور ایک جمہوری طریقے سے ہم آ گئے. اس کے بعد جب دھرنے آئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بیہیو کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت نہیں گرے گی، اختلاف موجود تھا، ہم نے ایک دوسرے کا لحاظ کیا. وہ جو 10 سال تھے، وہ 10واں سال پورا ہونے جا رہا تھا جب نقب لگائی گئی. وہ جو نقب لگائی گئی وہ 2014 میں سازش تیار ہو چکی تھی جب دھرنا کیا گیا اور عمران خان جو تھا اس کا چہرہ تھا. اس پروجیکٹ عمران نے پاکستان کو خراب کیا، تباہ کیا، جمہوریت کو کمزور کیا. لیکن ایک بات واضح رہنی چاہیے، سب سے بڑی ذمہ داری پولیٹیشنز کی ہے. ہم تب بلیم کر سکتے ہیں ججز کو یا جنرلز کو جب سیاستدان اعلی کار نہیں بنتے. عمران خان اعلی کار بنا. وہ غلطی جو ماضی میں پچھلی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں وہ تو تائب ہو گئی. اس آدمی نے نہ صرف وہ گناہ کیا بلکہ اب بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سیاست میں ملوث ہو اور اس کو اقتدار کے اس کے تخت پہ بٹھا دے. وہ کھلم کھلا یہ بات کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے، اسے شرم آنی چاہیے، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ. اور اب ذمہ داری ہے پولیٹیشنز کی. یہ جو کھیل شروع ہوا ہے، ایک سیکنڈ، یہ جو کھیل شروع ہوا ہے جوڑ توڑ کا، یہ اچھا کھیل نہیں ہے، یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے، ہم اس کے اندر نہیں جانا چاہتے. جب اداروں نے کہہ دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، پولیٹیشنز کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے. آپ اسمبلی کو چلنے دیں، آپ 4 حکومتیں چلا رہے تھے، ابھی بھی اگر پرویز الہی صاحب کی حکومت نہیں رہتی، 3 حکومتیں آپ کے پاس ہیں، 9-10 مہینے کے بعد الیکشن ہے، آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں ڈرٹی گیم کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو رسپونڈ کیا جائے؟ آپ نے بات کی ہاؤس ریڈنگ کی،
جی اس میں ہم کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس ہاؤس ٹریڈنگ میں شریک نہیں ہوں گے. انہوں نے ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. یہ سارا معاملہ انہی کے اوپر ہے اور وہ ہی اپنے بندوں کو جو ہے وہ لالچ دے کے, فنڈز دے کے, پیسے دے کے جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی کر رہے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں ووٹ آف کانفیڈنس میں. کیونکہ یہ خود جوہری پرویز کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, اس نے خود کہا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ اس حق میں نہیں. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اس کے تحت ہمارا کوئی بندہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتا. اگر وہ دے گا بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو 63A کے تحت آیا تھا وہ ان فیلڈ ہے. اس لیے ان کو اپنے ہی بندوں میں سے جو ان کے پاس 187 ہیں انہی میں سے 186 بندے جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں. وہ ہمارے بندوں کو نہ وہ لے کے جا سکتے ہیں نہ ہم ان کو لا سکتے ہیں. یہی ان کے ساتھ پرابلم ہے. اور اب وہ ان لوگوں کو جو لوگ اس بات میں ان کے خلاف ہیں ان کو سنا ہے کہ وہ کوئی 2-2 ارب روپے کی جو ہے وہ پیشکش کر رہے ہیں ان 18 دنوں میں. میں ایک سب بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں. بہت بالکل کلیئر, پنجاب کے عوام کو, پاکستان کے لوگوں کو اور ریاستی ادارے بھی اس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور انٹیلیجنشیا بھی اور سول سوسائٹی بھی. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کھیل شروع کس نے کیا. ہم تو پنجاب حکومت کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے, ہم کے پی کے حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے, ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی ہے, ہم نے گلگت بلتستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں, ہم ایک وار لڑ رہے ہیں کہ جو معاشی تباہی ہے کسی طریقے سے پاکستان کا کم بیک ہو جائے. ہم نے سیلاب آیا ہے, ہم نے تمام صوبوں کو بار بار مدعو کیا ہے, نہ پنجاب آیا ہے تعاون کرنے کے لیے, نہ کے پی کو اجازت ملی ہے, تاکہ ہم نے پھر بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. عمران خان صاحب کے پیٹ میں کوئی مروڑ اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے, ان کو کون سی چیز ہے جو ٹکنے نہیں دیتی, کون سی چیز ہے جو ان کو سکون لینے نہیں دیتی. وہ کرے نا 2 ریاستوں اور 2 صوبوں کے اندر لوگوں کی خدمت, وہ کرتے نہیں ہیں. یہ کھیل پنجاب میں جوڑ توڑ کا انہوں نے شروع کرایا ہے, یہ کہہ کہ میں اسمبلی توڑواؤں گا. اب اگر وہ اسمبلی توڑوانے کی کوشش کریں گے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے جو فتنہ ہے اور اس کے ساتھی اور اس کے سہولت کار وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے نہ بڑھے, پاکستان نہ چلے. وہ ہیں جو جمہوری نظام کو نقصان پہنچاتے ہیں, بار بار جمہوری نظام پر حملے کرتے ہیں. اور اسی سے کنیکٹڈ جس طرح سے معاشی پہلو کے اوپر خواجہ صاحب نے بات کی ہے, جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 6-7 ماہ سے وہاں سے غائب ہے. وہ کبھی جو ہے وہ راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنے میں لگی ہوتی ہے, کبھی کسی جو ہے وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, کبھی کسی ریلی میں ہوتی ہے, اب آج کل جو ہے وہ زماں پارک میں آ کے بیٹھی ہے. اور وہاں پہ سی ٹی ڈی کا یہ حال ہے کہ ان کو کئی ماہ کی تنخواہ نہیں ملی, اور وہاں پہ پولیس کا یہ حال ہے کہ پولیس کے اوپر روز جو ہے وہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور وہ آگے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. اور اتنی پیتھیٹک صورتحال ہے امن و امان کی کے پی کے میں کہ وہ پورے ملک کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے ان کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. یہ اپنی صرف اس سیاسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں, زواں پارک میں آ کے بیٹھے ہیں, لانگ مارچ جو ہے وہ منظم کر اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنی ذاتی سیاست اور اپنی حوث اقتدار جو ہے اس سے آگے یہ نہ دیکھ رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں, یہ اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ تھرڈ ڈگری ہتھکنڈا جو ہے وہ اپنا رہے ہیں کہ جس سے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام کا شکار ہو اور معاشی طور پہ. بہت بہت شکریہ. جی چیما صاحب سے لاسٹ کوئسچن. لاسٹ کوئسچن چیما صاحب. چیما صاحب سے بات. دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے جو 10 اراکین ہیں ان میں ایک تو پل سب خود ہے, باقی کو 5-6 قریبی عزیز و قارم میں سے بھی ہیں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوگا یہ تو اسی دن فیصلہ جو ہے یہاں ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کے زیر اثر ثابت ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نہیں. دیکھیں اس وقت وہ حکومت ہے, حکومت میں رہتے ہوئے اور جس طریقے کی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے, جس طریقے کے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں, لیکن ہم پر امید ہیں جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ لوگ رابطوں میں آ رہے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا.